फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हिंदी फिल्मों की उन एक्ट्रेस के बारे में जिनका फिल्मी सफर बेहद कामयाब रहा, लेकिन शादी के बाद इन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। वैजयंती माला। वैजयंती माला हिंदी सिनेमा के शुरुआती दिनों में फीमेल सुपरस्टार्स थी। उन्होंने 1955 में आई देवदास में चंद्रमुखी के किरदार को अमर कर दिया। वैजयंती 1968 में शादी करने के बाद चेन्नई शिफ्ट हो गई। एक बार वे राजनीति में भी आई थी, लेकिन फिल्में छोड़ने के बाद वे सार्वजनिक रूप से कभी कभार ही दिखी। मुमताज। राजेश खन्ना के साथ मुमताज की केमिस्ट्री बेजोड़ थी। दोनों ने एक साथ 8 फिल्में की थी और सारी हिट रही। 1974 में करियर की बुलंदी पर मुमताज ने फिल्में छोड़कर करोड़पति मयूर माधवानी से शादी कर ली। इनके बाद मुमताज ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। हालांकि 1990 में मुमताज ने आंधिया से वापसी की, लेकिन पिट गई। कैंसर पर जीत हासिल करने के बाद वो अब एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। मीनाक्षी शेषाद्री। 80 और 90 के दशक में मीनाक्षी हिंदी फिल्मों में छाई रही। 1990 में घायल और 1993 में दामिनी जैसी हिट फिल्में देने के बाद उन्होंने फिल्मों को छोड़ दिया। वे बीते दो दशक से यूएस में रहकर अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। माला सिन्हा। हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री माला सिन्हा ने प्यासा, गुमराह, हिमालय की गोद में काम किया है। माला सिन्हा ने नेपाली फिल्मों में स्टार चिदंबर प्रसाद लोहानी से शादी की थी। राजश्री। प्रसिद्ध फिल्ममेकर भी शांताराम की बेटी राजश्री ने गीत गाया पत्थरों ने, जानवर और ब्रह्मचारी जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। राजश्री ने अपने अमेरिकन प्रेमी ग्रेग चैपमैन से शादी करने के बाद फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था। साधना। साधना ने 1966 में रामकृष्ण नैयर से शादी करने के बाद ही फिल्में छोड़ दी थी। साधना की 25 दिसंबर 2015 को कैंसर से मौत हो गई है। बबीता। बबीता ने 1971 में रणधीर कपूर से शादी की। शादी के बाद बबीता फिल्मों में ज्यादा एक्टिव नहीं रही। शर्मिला टैगोर। शर्मिला टैगोर भारतीय फिल्मों की सशक्त अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने अमर प्रेम, आराधना जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। शर्मिला ने नवाब पटौदी से शादी के बाद फिल्मों को अलविदा कह दिया था। नीतू सिंह। ऋषि कपूर की पत्नी नीतू सिंह को अपने जमाने की शानदार अदाकारा माना जाता है। नीतू सिंह ने भी शादी के बाद फिल्मों से रिश्ता तोड़ लिया था। तो दोस्तों, ये थी हिंदी फिल्मों की कुछ बड़ी हीरोइंस की बात। आप बने रहें YRY18 के साथ। हॉलीवुड, बॉलीवुड और देश विदेश की महान हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।